हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। StudyIQ के इस वीडियो में मैं मध्य प्रदेश के पिछले 3 महीने के करंट अफेयर कवर करूंगा, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। 3 महीने में जितने भी करंट अफेयर हैं काफ़ी एक थरोली, काफ़ी व्यापक तरीके से, बहुत ही डिटेल्ड मैं कवर करूंगा। दो आपको जरूरी सूचनाएं दे देता हूं। इस वीडियो में तो होगा अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, लेकिन इससे पहले मैं जनवरी से जुलाई तक के करंट अफेयर इस 55 मिनट के वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 महीने में इसे 3 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। इसके अलावा मैंने 6 दिन पहले मध्य प्रदेश के पिछले 1 साल के सारे गवर्नमेंट स्कीम इस वीडियो में कवर किए थे और इसको भी 6 दिन में लगभग 70,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। तो ये दोनों वीडियो पहले देखिए, उसके बाद फिर आपको ये वाला वीडियो देखना है। तो शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप SSC बैंक पी हो या UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेनड्राइव कोर्सेज आते हैं, आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी तरह से सारे वीडियो उपलब्ध होंगे हमारी वेबसाइट पर और पेनड्राइव के अंदर। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इन दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने जो औद्योगिक संवर्धन नीति है यानी इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी, उसमें कुछ बदलाव लाए हैं। 2014 की पॉलिसी है, अब इसमें कुछ बदलाव ये आया है कि इन्होंने एक स्कीम स्टार्ट करी है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंट स्कीम। यानी कि अगर मध्य प्रदेश में कोई पूंजी निवेश करना चाहता है तो उसमें हम संवर्धन कैसे करें और उसको संवर्धन करने में जो सहायता होगी वो कैसे दें, तो इसके लिए इन्होंने ये डिसाइड किया है। अगर दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं, एक जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं जो कम निवेश करते हैं और एक जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, लार्ज इन्वेस्टर, तो जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनको 40% तक का पूंजी अनुदान दिया जाएगा यानी ग्रांट दिया जाएगा। ग्रांट का मतलब ये होता है, अगर मान लो कोई 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है या 100 रुपये मान लो मैंने लोन लिया बैंक से, तो बैंक मुझे ये बोलेगा कि 40% आपको पूंजी अनुदान हमारी तरफ से, यानी वापस आपको सिर्फ 60 करना है, तो उसको बोलते हैं पूंजी अनुदान। तो छोटे इन्वेस्टर को 40% तक और बड़े इन्वेस्टर को 10% तक मैक्सिमम ये पूंजी अनुदान दिया जाएगा और इसके लिए इन्होंने जो इनकी औद्योगिक संवर्धन नीति है 2014 की, उसमें संशोधन किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार ने यह डिसाइड करा है कि जो टेम्परेरी पोस्ट है PWD डिपार्टमेंट में यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में, PWD में 4,633 टेम्परेरी नौकरियां हैं, उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा क्योंकि इस डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार ने यह भी डिसाइड करा है कि कुंडलिया मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, कुंडलिया जो बांध है, कुंडलिया सिंचाई प्रोजेक्ट है, उसके तहत जो लोग वहां से डिस्प्लेस हुए हैं, हमेशा जब भी कोई डैम बनता है तो वहां से जो लोग रह रहे होते हैं उन्हें हटाना पड़ता है, तो वो जो लोग हटे हैं वहां से उनके विकास के लिए या उनको दोबारा सेटल करने के लिए, उनके बेनिफिट के लिए 81 करोड़ रुपए खर्च करेगी। लगभग 6,000 लोग हैं जिन्हें वहां से हटाना पड़ा क्योंकि कुंडलिया प्रोजेक्ट बन रहा था वहां पे। और ये प्रोजेक्ट कहां बन रहा है? जीरापुर तहसील में, डिस्ट्रिक्ट का नाम है राजगढ़। इसके अलावा 2 डिसीजन और लिए हैं। पहला ये कि मध्य प्रदेश की सरकार NTPC का एक प्लांट है, पावर प्लांट, वो लगा रही है। इसकी क्षमता है टोटल 2 लगेंगे, एक की क्षमता होगी 660 मेगावाट, तो 2 लगेंगे तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1320 मेगावाट क्षमता के का प्लांट होगा टोटल। और ये लग रहा है सनवाद तहसील, डिस्ट्रिक्ट है खारगोन डिस्ट्रिक्ट, और इसके लिए जो ज़मीन है लगभग 23 हेक्टेयर की ज़मीन अलॉट कर दी है। इसके अलावा एक छोटा सा और फैसला ये हुआ है कि अगर समाज में पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए और आदिवासी समुदाय के विकास के लिए कोई कार्य करता है तो मध्य प्रदेश की सरकार उसे पुरस्कार देती है, पुरस्कार योजना नियम 2014 के तहत। अब इसका नाम पलट दिया है, अब इसका नाम रख दिया गया है संत श्री सेवालाल महाराज के नाम पे। तो इस पे और अनाउंसमेंट अभी होगी। संत श्री सेवालाल महाराज, जिन्होंने जो बंजारा कम्युनिटी है, बंजारा समुदाय, उनके विकास के लिए काफ़ी काम किया था। 18वीं शताब्दी में ये संत धरती पे आए थे और पुरस्कार योजना नियम का नाम अब हो जाएगा संत श्री सेवालाल महाराज जी के नाम पे। इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्यों में, यानी जो सेंट्रल इंडिया है हमारा, जो मध्य भारत, उसमें जो फॉरेस्ट हैं, जो वन हैं, वन में रहने वाले जो लोग हैं उनके विकास के लिए, क्योंकि ये जो लोग हैं ये वहाँ पे वन से जो लकड़ी मिलती है या जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट वगैरह हैं उन पे निर्भर करते हैं, और अगर हम फॉरेस्ट की क्वालिटी इंप्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ रहने वाले जो कम्युनिटी हैं उनकी उनका भी विकास होगा। इसके लिए विश्व बैंक ने लोन दिया है $24.6 मिलियन। $1 मिलियन होता है 6.5 करोड़ रुपये, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा लगभग 150 करोड़ रुपए का लोन दिया है। ये 150 करोड़ रुपए का लोन किसे दिया है? वर्ल्ड बैंक ने दिया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को, वहाँ के वनों की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए।
मध्य प्रदेश में जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड होता है इस्लामिक, और ये हर स्टेट में भी होता है। तो मध्य प्रदेश का वक्फ बोर्ड भारत का पहला वक्फ बोर्ड बना है जिसने जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं किन्नर या हिजड़ा या खुसरा समाज बोलते हैं, तो ट्रांसजेंडर के राइट्स को एक्नॉलेज किया है। ट्रांसजेंडर को समुदाय को बढ़ावा देने के लिए वक्फ बोर्ड ने 5 मेंबर अपॉइंट किए हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के, और उनको ये कहा है कि वो एक ग्रेवयार्ड है और उसको वो मैनेज कर सकते हैं, यानी उनको ड्यूटी पे लगा दिया है। तो ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश का वक्फ बोर्ड भारत का पहला वक्फ बोर्ड बना है। अब मध्य प्रदेश में एक, अभी न्यूज़ में काफ़ी आया, ये एक हिंगोट युद्ध होता है, बेसिकली कुछ नहीं है, एक तरह का ये त्यौहार कह सकते हैं, या एक त्यौहार होता है दिवाली के एक दिन बाद, इसको बोलते हैं ढोक पड़वा दिवस दिवाली के एक दिन बाद। और ये एक जगह है जिसको बोलते हैं गौतमपुरा का मंदिर है, यहाँ पे इंदौर से लगभग 60 किलोमीटर दूर। यहाँ पे क्या होता है, ये हिंगोट, ये एक कोकोनट की तरह ये एक फल होता है, तो लोग क्या करते हैं इसके बीच में भर देते हैं गन पाउडर और उसमें आग लगा देते हैं और एक दूसरे पर हमला करते हैं। तो ये एक त्यौहार है एक तरह का, और इस त्यौहार को बंद भी नहीं किया जा सकता क्योंकि लोगों की धार्मिक भावनाएं हैं। लेकिन इस बार बहुत लोग इंजर्ड हो गए इसमें, हर बार की तरह लगभग 50 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए और 3 काफ़ी क्रिटिकली, काफ़ी सीरियसली इंजर्ड हो गए। तो ये त्यौहार आप याद रखिए, बस इसमें ये हिंगोट वार चलती है, इसमें लोग एक दूसरे के ऊपर आग के गोले फेंकते हैं, और ये आग के गोले कैसे बनते हैं, हिंगोट का जो फ्रूट होता है, जो फल होता है, उसके बीच में गन पाउडर भर देते हैं। चंबल नदी की बात करते हैं। देखिए, चंबल नदी एक इंपॉर्टेंट नदी है दो राज्यों के लिए, राजस्थान के लिए। आप जानते हैं राजस्थान में जो कोटा है वो चंबल नदी के किनारे है, कोटा जो कोचिंग वगैरह के लिए फेमस, आपने सुना होगा कोटा, और मध्य प्रदेश, ये दो राज्य हैं जिनमें चंबल नदी बहुत ज़्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और चंबल नदी का पानी दोनों राज्यों में डिवाइड होता है 50-50, मतलब आधा उसके पास आधा उसके पास, ये इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट है आपस में। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये चल रही है कि रबी सीजन स्टार्ट हो गया है, जो विंटर ग्रोइंग सीजन है जिसमें गेहूं वगैरह उगाते हैं, तो दोनों राज्यों को पानी की जरूरत है। तो चंबल जो कनाल है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ती है आपस में, और चंबल कनाल का जो पानी है राजस्थान कम दे रहा है मध्य प्रदेश को। तो चंबल कनाल से फायदा किस किस का होता है, मध्य प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट का फायदा होता है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर और श्योपुर। और राजस्थान का फायदा होता है बरन डिस्ट्रिक्ट और कोटा डिस्ट्रिक्ट का। राजस्थान से फिर मध्य प्रदेश नाराज हो गया क्योंकि राजस्थान ने पानी कम दिया, इस कनाल में पानी कम छोड़ा, इसीलिए मध्य प्रदेश ने भी क्या किया, गांधी सागर जो सेतु है, गांधी सागर डैम, गांधी सागर जो बांध है उसका पानी कम छोड़ा है। तो ये दोनों में अब वो एक तरह का वॉर चल रहा है, और इसके लिए केंद्र सरकार अब दोनों के बीच में मध्यस्थता कराएगी, और अब देखना होगा कैसे ये सुलझता है। लेकिन याद रखिए, चंबल कनाल का पानी राजस्थान ने कम दिया और बदले में मध्य प्रदेश ने गांधी सागर डैम का पानी नहीं दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह, ये एक 3300 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं 6 महीने के अंदर 3300 किलोमीटर का डिस्टेंस मैं नंगे पैर चलूंगा। तो ये माँ नर्मदा को मेरी वो है, भेंट है, और ऑपोजिशन कह रही है कि एक पॉलिटिकल मूव है। एनीवेज, तो 6 महीने ये नंगे पैर चलेंगे नर्मदा के किनारे, 3300 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, ये इन्होंने अनाउंस किया है। मध्य प्रदेश का जो पर्यटन है, अभी आप जानते हैं शिवराज सिंह चौहान अमेरिका गए थे, और मध्य प्रदेश जो है वो अमेरिका की मार्केट पे अपनी नजरें गड़ाए बैठा है। उसके लिए इन्होंने एक कंपनी है जिसका नाम है लैटिट्यूड इंटरनेशनल, इससे करार किया है अगले 5 साल के लिए, ये मध्य प्रदेश में पर्यटन का विकास करेगी। और मध्य प्रदेश जो है ये कई तरह के वर्कशॉप क्रिएट कर रहा है, जैसे नवंबर के महीने में 3 वर्कशॉप होंगे न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को में और लॉस एंजलिस में, दिसंबर में होंगे, और एक यूनाइटेड स्टेट्स टूर ऑपरेटर एसोसिएशन इसमें भी हिस्सा लेगा, ये नवंबर में होगी। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, अमेरिका में 3 स्थान है, न्यूयॉर्क है एक तो, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस, यहाँ पर दिसंबर के अंदर, और एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन नवंबर के अंदर, इसमें मध्य प्रदेश भी हिस्सा लेगा, मध्य प्रदेश का जो पर्यटन विभाग है वो हिस्सा लेगा। और मध्य प्रदेश में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को के द्वारा, एक तो है भीमबेटका, एक है सांची स्तूपा और एक है खजुराहो के मंदिर। भीमबेटका की गुफाएं, सांची के स्तूप और खजुराहो के मंदिर, ये हैं 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो मध्य प्रदेश ये कोशिश कर रहा है कि विदेशी टूरिस्ट मध्य प्रदेश में ज़्यादा आए। भारत में मध्य प्रदेश 3रे नंबर पे आता है दूध उत्पादन में, ये भी याद रखिए, और ये अनाउंस करा है मध्य प्रदेश के पशुधन मंत्री अंतर सिंह आर्य ने। मध्य प्रदेश पिछले साल 4थे नंबर पे था, इस साल 3रे नंबर पे है, एक पायदान ऊपर खिसक गया है। और मध्य प्रदेश ने नई पैकेजिंग अनाउंस करी है सांची घी के 5 किलो और 15 किलो के पैक के लिए। ये जो नई पैकिंग है इसमें आसानी से कोई टेम्पर नहीं कर सकता, तो घी में मिलावट नहीं हो सकती।
और मध्य प्रदेश ने भी ये कहा है कि जो केंद्र सरकार का निर्णय है कि हम फार्मर की इनकम को दुगना कर देंगे 2022 तक, हमने उस पर काम स्टार्ट कर दिया है। याद रखिए, ये जो सांची घी है ये मध्य प्रदेश का सरकारी घी है, मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन इसे बनाता है। मध्य प्रदेश जो है उसे हम एक जल पर्यटन यानी वाटर टूरिज्म के तौर पर डेवलप करेंगे, ये अनाउंसमेंट करा है वहां के पर्यटन मंत्री ने और शिवराज सिंह चौहान ने भी। इसमें हो क्या रहा है, देखिए जो मुख्य नदी मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी, उसमें कुछ ऐसे नकली टापू जिन्हें कहते हैं आइलैंड बनाए जाएंगे। नदी के बीच में भी आइलैंड हो सकता है, टापू जरूरी नहीं है समुद्र के बीच में होता है। तो कुछ ऐसे आइलैंड वगैरह क्रिएट किए जाएंगे और वहां पे जल क्रीड़ा वगैरह करवाई जाएगी और एक जल महोत्सव भी शुरू हुआ है। ये 2.5 महीने चलेगा जल महोत्सव और ये 2 जनवरी 2018 को खत्म होगा। ये जल महोत्सव कहाँ चल रहा है, ये चल रहा है हनुवंतिया टापू पे। हनुवंतिया टापू जो है ये इंदिरा सागर जो डैम है, बांध है, उसके बैकवाटर्स के अंदर है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हनुवंतिया है। इसके अलावा गांधी सागर डैम, बरगी डैम वगैरह पे भी जो भोपाल के आसपास हैं या भोपाल के अंदर हैं वहाँ पे भी जो टूरिज्म डेस्टिनेशन क्रिएट किए जाएंगे जिनमें जल क्रीड़ा और जल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश भी पर्यटन पर्व टूरिज्म फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है और इस बार उज्जैन से लेके ओमकारेश्वर तक एक रिलीजियस टूरिज्म सर्किट बनेगी। यहाँ पे उज्जैन से लेके ओमकारेश्वर तक एक टूरिज्म रिलीजियस टूरिज्म सर्किट बनेगा। ये जो याद रखिए टूरिज्म सर्किट बनाए जा रहे हैं ये स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत बनाए जा रहे हैं, जो जिसमें 100% फंडिंग दे रही है केंद्र सरकार। और हमारे पर्यटन मंत्री हैं के जे अल्फोंस। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक खाद्य आयोग बनाया है यानी एक फूड कमीशन बनाया है। जो खाद्य सुरक्षा विधेयक पास हो गया था, खाद्य सुरक्षा कानून, उसको ये लागू करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर। और 4 मेंबर हैं इसमें फूड कमीशन में, खाद्य आयोग में, और ये 21 जुलाई को बनाया था। इसके जो हेड हैं वो होंगे IAS ऑफिसर रिटायर्ड राजकिशोर स्वैन। और इसका काम होगा मिड डे मील स्कीम को लागू करना, जो खाद्यान्न है उनका वितरण करना यानी फूड डिस्ट्रीब्यूशन करना इत्यादि। अब इसमें एक दो चीज़ें आपको याद रखनी है। जो सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश को कहा था कि उन्हें खाद्य आयोग तुरंत बनाना चाहिए क्योंकि अभी तक उन्होंने बनाया नहीं है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक कई राज्य थे जिनमें फूड कमीशन नहीं बना था। और जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है इसके तहत एक व्यक्ति को 1 महीने में 5 किलो खाद्यान्न बहुत ही सस्ते दामों में मिलने का प्रावधान है। चावल 3 रुपये किलो, गेहूं 2 रुपये किलो और जो मिलेट वगैरह है कोर्स ग्रेन वो 1 रुपये किलो। इसके अलावा अगर प्रेग्नेंट महिला है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट सीरियल्स ले सकती है। मध्य प्रदेश जो है उसने डिजिटल इनिशिएटिव्स में 1 टॉप किया है, ये कोएस एज कंसल्टिंग कंपनी ने कहा है। यानी डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने के लिए, डिजिटल बनाने के लिए राज्यों को जो वहां के गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं उनमें मध्य प्रदेश 1 है। तो मध्य प्रदेश का स्कोर था 100.1, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, चौथे नंबर पे है छत्तीसगढ़ और 5वें नंबर पे है कर्नाटक। मनरेगा की बात करते हैं। मनरेगा में बहुत सारे किसान हैं मध्य प्रदेश में जो शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें अभी तक 2-3 महीने से कोई भी जो उनका मुआवजा होता है वो नहीं दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में लगभग 172 रुपये पर दिन के हिसाब से 1200 करोड़ रुपए का उधार है स्टेट के ऊपर, यानी 1200 करोड़ रुपए सरकार को देने हैं। मध्य प्रदेश ने ये अनाउंस करा है कि वो एक कंटिंजेंसी बजट बनाएगा जिसमें 1000 करोड़ रुपए रखेगा, जिसे महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज एक्ट के तहत जो लोग काम करते हैं 100 दिन साल में हर साल उनको पैसा दे सकेंगे। लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ है। और मध्य प्रदेश के रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मंत्री हैं गोपाल भार्गव, याद रखिए। और मध्य प्रदेश में 29 लाख लोग हैं जो मनरेगा में जिनको लाभ मिलता है, 29 लाख परिवार है, 29 लाख फैमिली है, ये मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है। मध्य प्रदेश ने पहले ये कहा था, देखिए भारत में जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च अगले साल तक चलता है। जैसे अभी चल रहा है वित्तीय वर्ष 2017-18, ये 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 2018 को खत्म होगा। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल या वित्तीय वर्ष। अब मध्य प्रदेश ने ये अनाउंस करा था, मध्य प्रदेश ऐसा अनाउंस करने वाला भारत का पहला राज्य था जिसने ये कहा था कि हम 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे वित्तीय वर्ष और 31 दिसंबर तक, यानी जो कैलेंडर ईयर होता है उसी से हम वित्तीय वर्ष भी चलाएंगे। लेकिन अब इन्होंने अपना ये प्लान कैंसिल कर दिया है। तो मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य था जिसने जनवरी से दिसंबर तक का फिस्कल साइकिल अडॉप्ट किया था और झारखंड था दूसरा। इसके अलावा मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने अपना एक हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बनाया है और आंध्र प्रदेश है भारत का दूसरा। और इसके फाइनेंस मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के जयंत मालवीय। मध्य प्रदेश ने भी दिवाली पे इस बार पटाखे बैन कर दिए।
सारे बैन नहीं किए, जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते थे सिर्फ उन्हीं को बैन किया है नॉइज़ पोल्यूशन कम करने के लिए। और रात को 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक पटाखे नहीं चल सकते थे, वो भी बैन किया था। मध्य प्रदेश के पर्यावरण मंत्री हैं अंतर सिंह आर्या और केंद्र सरकार में जो पर्यावरण मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। तो कौन से पटाखे बैन किए थे? वो पटाखे जिनकी आवाज़ 125 डेसिबल AI या 145 डेसिबल C से ज़्यादा थी उनको बैन कर दिया था। मध्य प्रदेश ने पेट्रोल और डीजल पे जो वैट है वो कम कर दिया है। मध्य प्रदेश ने डीजल पे 5% वैट वैल्यू एडिड टैक्स और पेट्रोल पे 3% वैट कम कर दिया है। ये अभी लेटेस्ट अनाउंसमेंट हुआ है। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश भारत का 5वां राज्य है, क्योंकि क्योंकि जो पेट्रोल के दाम हैं वो बढ़ रहे हैं, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत गिर रही है, इसीलिए कई राज्य हैं जिन्होंने वैट ड्यूटी कम कर दी है जिससे लोगों की जेबों पर ज़्यादा भार ना पड़े। तो कौन कौन से राज्य हैं मध्य प्रदेश से पहले? 4 जिन्होंने किया है, मध्य प्रदेश 5वां है, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तीनों में बीजेपी की सरकार है, और हिमाचल प्रदेश जहां पे कांग्रेस की सरकार है। ये 4 राज्य हैं जिन्होंने वैट कम किया है। अभी भोपाल के अंदर एक बाल संसद का आयोजन किया गया। बाल संसद का पर्पज ये था कि बच्चों को उनके जो अधिकार हैं उनके बारे में एजुकेट किया जाए, और साथ ही साथ बच्चों का जो यौन शोषण होता है, बच्चों का जो शारीरिक शोषण होता है, या बच्चों का जो आर्थिक शोषण होता है जैसे बंधवा मजदूरी करवा के, वो सब ना हो। तो इस बारे में जागरूकता फैलाई गई और बच्चों को साइबर क्राइम के बारे में भी जागरूकता दी गई, यानी डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड की गई। जैसे कंप्यूटर हैक वगैरह हो जाता है वो साइबर क्राइम का हिस्सा होता है, तो कैसे हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं इस बारे में भी एजुकेशन दिया गया बाल संसद में, भोपाल में आयोजित की गई। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, इसको ऑर्गेनाइज करा मध्य प्रदेश के बच्चों के जो अधिकारों के लिए काम करते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, मध्य प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट और वर्ल्ड विजन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके। और यहाँ पे 10 साल का एक बच्चा है जो सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है, इसका नाम है अब्दुल कादिर। इसका पूरा नाम है अब्दुल कादिर इंदौरी और ये रतलाम से है। ये बिना हाथ का बच्चा है, यानी इसके हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी ये चैंपियन है, स्विमिंग चैंपियन, ये तैराकी करता है। और एक बात और, मध्य प्रदेश सरकार ने 22 अगस्त 2017 को बाल शोषण समाप्ति अभियान का भी शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश का एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, रतापणी। रतापणी में एक 10 साल की बच्ची को टाइगर खा गया वहां पे। और एक बात याद रखिए, रतापणी में 11 टाइगर हैं आज की तारीख में, और इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा देने के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने तो हाँ कर दी, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया था। लेकिन अब थोड़े ही समय की बात है, इसको फिर ये दर्जा मिल जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त बने हैं। जो पुराने लोकायुक्त थे पीपी नावलेकर, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस भी थे, पूर्व जज थे, ये अब रिटायर हो गए थे जून 2016 में। तब से ये पोजीशन खाली पड़ी थी, लगभग आप कह सकते हैं 17 महीनों से ये पोजीशन खाली पड़ी थी। तो मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त बने हैं ओम्बड्समैन, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, इनका नाम है नरेश कुमार गुप्ता। और जब भी कोई लोकायुक्त होता है उसे शपथ गवर्नर दिलाता है, तो मध्य प्रदेश के गवर्नर ओम प्रकाश कोहली ने उन्हें शपथ दिलाई राजभवन में। राजभवन बोलते हैं गवर्नर के निवास को। मध्य प्रदेश ने 2017 में अब तक, यानी जनवरी से लेकर सितंबर तक, 17 टाइगर वहाँ पे मर चुके हैं, ये कहा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने। भारत में पूरी दुनिया के 70% टाइगर हैं, भारत को टाइगर कंट्री बोलते हैं, और भारत में सब जगह टाइगर हैं, कर्नाटक में, दूसरे नंबर पे उत्तराखंड में, और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश में। किसी जमाने में मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट भी बोलते थे। कर्नाटक में बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं, जैसे कुद्रेमुखा है, जो सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व बना है कर्नाटक में, वो कुद्रेमुखा है, 2013 में बना था टाइगर रिजर्व। इसके अलावा आंशी, बनरगट्टा, बांदीपुर, नागरहोले, बहुत सारे हैं। और उत्तराखंड में 2 सबसे फेमस है, राजाजी टाइगर रिजर्व, राजाजी भी बना था 2013 में, और इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया था 2013 में, और जिम कॉर्बेट जो सबसे पहला था। तो तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है भारत में टाइगर की गिनती में। तो मध्य प्रदेश में 17 टाइगर मर चुके हैं इस साल ऑलरेडी, जनवरी से सितंबर तक। भारत में जनवरी से लेकर सितंबर तक टोटल 71 टाइगर मरे हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में मरे हैं 17, फिर कर्नाटक में 14, और फिर महाराष्ट्र में 12, और उत्तराखंड में भी 12। और पिछले साल टोटल 100 टाइगर मरे थे, उनमें अगेन सब ज्यादा मध्य प्रदेश में मरे थे, वो थे 30, ये कहा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने। मध्य प्रदेश ने, सरकार ने एक नई स्कीम चलाई है विधवाओं को एम्पावर करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश में विधवा से शादी करता है तो उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे सरकार की तरफ से। इससे जो विधवा पुनर्विवाह है वो दोबारा सुनिश्चित हो पाएगा, लोग आगे आएंगे, चाहे पैसों के लालच में ही आए लेकिन आएंगे। और जो विधवा है उसकी उम्र 45 साल से कम होनी चाहिए और 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, ऑफ कोर्स, क्योंकि 18 तो लड़कियों के लिए एज ही होती है, यानी 18 से 45 के बीच में होनी चाहिए। और सरकार ये कह रही है इस स्कीम के तहत, अब वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि 1000 कम से कम विधवाओं की शादी हर साल ज़्यादा होगी जितनी अब होती है उससे।
कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जुलाई में मध्य प्रदेश की सरकार को और बाकी सरकारों को भी कि आप कुछ ऐसे कदम उठाइए जिससे विधवाओं का पुनर्विवाह उसमें बढ़ोतरी हो। और मध्य प्रदेश सरकार ने इस स्कीम के लिए 20 करोड़ रुपए रखे हैं हर साल। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक यात्रा शुरू करी है जिसका नाम है एकात्म यात्रा। ये जो मशहूर संत थे आदि शंकराचार्य जी, इनको सम्मानित करने के लिए आदि शंकराचार्य जी का एक स्टैचू बन रहा है खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, और ये 108 फीट का स्टैचू है आदि शंकराचार्य जी का, ओमकारेश्वर में बन रहा है। और जो ओमकारेश्वर है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, भगवान शिव का मंदिर है, भोपाल से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पे है। और सरकार ये चाहती है कि ऐसा यात्रा करने से और इनका स्टैचू बनाने से जो जो आदि शंकराचार्य जी हैं इनके बारे में सबको पता चलेगा। और एक बात याद रखिए, इसके लिए वो एक मेटल पीस कलेक्ट कर रही है। कहने का मतलब, जैसे आपने सुना होगा कि गुजरात में जैसे वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू बन रहा है, उसके लिए मोदी जी ने कहा था कि सब लोहा कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश में भी जो किसान हैं, जो आम लोग हैं, उनसे लोहा या दूसरे धातु लिए जा रहे हैं जिनसे ये स्टैचू बनेगा। और जो ओमकारेश्वर है उसका विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी अपने गुरु श्री गोविंद भगवत पद जी से मिले और वहाँ पे उन्होंने मोक्ष हासिल किया। इसके अलावा एक अनाउंसमेंट और करी है, ओमकारेश्वर में ही आदि शंकराचार्य जी की याद में एक कोर्स स्टार्ट होगा और एक इंस्टीट्यूट भी बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के आईएएस ऑफिसर हैं, इनका नाम है संकेत भोंडवे। संकेत भोंडवे को ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं। इन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विज्ञान भवन दिल्ली में अवार्ड दिया। इनकी एक्सेप्शनल सर्विस टू द सोसाइटी, समाज कल्याण के विकास के लिए और दिव्यांगों के लिए खासकर काम करने के लिए। 2007 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं मध्य प्रदेश काडर के, और होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के जब ये कलेक्टर थे तब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया समाज में, जो दिव्यांग लोग हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, जो विकलांग हैं, जो चल नहीं सकते, उनके विकास के लिए। तो इन्हें मिला है नेशनल अवार्ड मिला है इन्हें रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति से। मध्य प्रदेश में एक डिजिटल लैंड स्कैम हुआ है ऐसा कहा जा रहा है। और बेसिकली मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या करा था, 2001 में एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया था जिसका नाम था वेब जिस सॉफ्टवेयर। और ये सॉफ्टवेयर जो था ये एक प्राइवेट कंपनी के पास था और इसमें ज़बरदस्त धांधलीबाजी हुई है। चार डिस्ट्रिक्ट हैं, एक है नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट, एक है ग्वालियर, मुरैना और इंदौर, इनमें इस सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ की गई जिस वजह से बहुत सारे किसानों को करोड़ों रुपए का चूना लगा है। तो ये सॉफ्टवेयर अब मध्य प्रदेश की सरकार ने अनाउंस करा है शिवराज सिंह चौहान ने कि अब हम वेब जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करेंगे और पुराना जो सरकारी सॉफ्टवेयर है उसे ही यूज़ करेंगे। मध्य प्रदेश में अगर आपने कोई कुत्ता पाला है और वो कुत्ता जो रोड के ऊपर शौच कर देता है या टॉयलेट कर देता है तो अब आप में 5,000 रुपये का फाइन लगेगा। ये एक यूनिक, एक बिल्कुल ही अद्भुत कदम उठाया है मध्य प्रदेश की सरकार ने स्वच्छ भारत के तहत। तो अभी ये म्यूनिसिपैलिटी क्लैनलीनेस एंड सैनिटेशन एक्ट के अंदर आ गया है। अगर आपका डॉगी, ये सबसे पहले उठाया है कदम जबलपुर ने, जबलपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सर्कुलर इशू किया है, अगर आपका कुत्ता पी या शिट कर देता है ओपन में तो फिर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने ये डिसाइड किया है कि सिर्फ उन्हीं स्कूल्स को परमिशन मिलेगी या उन्हीं बसों को परमिशन मिलेगी जिनके अंदर सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे। इससे सीसीटीवी कैमरा होने की वजह से जो स्कूल हैं और बसेज हैं इनमें जो महिलाओं की सुरक्षा है उसको बल मिलेगा। एक बात और याद रखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने एक डिसीजन ये भी अनाउंस करा है, शिवराज सिंह चौहान ने किया है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उन्हें जो ग्रांट मिलता था, उन्हें जो अनुदान मिलता था वो 1 करोड़ रुपये से घटा के अब कर दिया है 50 लाख रुपए माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी के लिए। और जो वहाँ पे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप कुछ नहीं होता, बेसिकली महिलाओं का एक समूह होता है जिसमें 100 महिलाएं, 50 महिलाएं, 250 अलग अलग हो सकती हैं उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर। और वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को मध्य प्रदेश की सरकार स्कूल के बच्चों के यूनिफॉर्म सीलने का जॉब देगी। मध्य प्रदेश की सरकार ने यह अनाउंस करा है, ये एक अलग, बहुत अलग तरह का डिसीजन है। मध्य प्रदेश में जो मुजरिम है, जो ऑलरेडी कोई ना कोई गुनाह कर चुके हैं, जो लिस्टेड मुजरिम है जिन्हें कहते हैं लिस्टेड क्रिमिनल्स हैं, उनको ये कहा है कि आप अपने आधार कार्ड, तुरंत अपने आधार कार्ड दो और इससे उन पर नज़र रखी जाएगी। ये इनिशिएटिव लिया है मध्य प्रदेश में ग्वालियर की पुलिस ने, उसमें जो कैदियों का डेटाबेस है उनको आधार के साथ लिंक किया जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा, देखिए अब कोई मुजरिम अगर सिम कार्ड खरीदता है, आप जानते हैं सिम कार्ड खरीदने के लिए आधार जरूरी है, तो आधार अगर रिकॉर्ड मध्य प्रदेश की सरकार के पास है तो उन्हें उसका फ़ोन नंबर भी पता चल जाएगा, कौन सा सिम खरीदा है, तो उससे उनके मोबाइल वगैरह टैपिंग भी हो सकती है आसानी से, मोबाइल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी अब आधार कार्ड चाहिए, तो उनके बैंक अकाउंट की सारी जानकारी भी मुजरिमों के मिल जाएगी। इससे भविष्य में वो कोई अपराध ना करें इस पर अंकुश लगेगा।
एक मध्य प्रदेश की सरकार ने एक डिसीजन ये लिया है, अगर किसी लड़की का रेप हो जाता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उससे उसे बच्चा होता है, जो वो बच्चा अगर किसी स्कूल में एडमिशन लेता है आगे जाके बड़ा होके, तो उसके बाप का नाम कंपलसरी नहीं है स्कूल में बताना। इससे जो डिग्निटी है वो मेंटेन रहेगी रेप सर्वाइवर की, और सिंगल पेरेंट होगी क्योंकि वो, तो बाप का नाम बताना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो एक रेपिस्ट होगा, और उससे जो डिग्निटी है उसके लिए कदम उठाया गया। मध्य प्रदेश में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पुलिस है वो ऑर्गेनाइज की जाएगी, या तो ये 1 दिसंबर को होगी या 2, अभी डेट नहीं आई है फाइनल, और ये होगी ग्वालियर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एकेडमी, ग्वालियर के तेकानपुर एरिया में। इसमें जो ये एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें भारत के टॉप पुलिस ऑफिसर्स आपस में मिलते हैं। तो 1 दिसंबर को BSF रेजिंग डे भी है, BSF बना था 1 दिसंबर को, और पिछली वाली जो हुई थी वो हुई थी नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में। इसमें प्रधानमंत्री आएंगे, गृहमंत्री आएंगे, सारे जो अजीत डोवल आएंगे जो हमारे मुख्य सुरक्षा सलाहकार हैं, और भी जो टॉप इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं भारत के वो आएंगे। एक मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसको बोलते हैं झबुआ डिस्ट्रिक्ट। झबुआ डिस्ट्रिक्ट में जो लोकल NGO हैं और गांव वाले हैं, उन्होंने वहां के वनों को बचाने के लिए एक फेस्टिवल चलाया हुआ है जिसका नाम है सेव मातानु वन, सेव मातानु वन। और इसमें ये कहा गया है, देखिए बेसिकली होता क्या है, जो यहाँ के आदिवासी समुदाय हैं झबुआ डिस्ट्रिक्ट के, वो वनों की पूजा करते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि वनों की पूजा करने वाले पेड़ों को बचाया जाए, जिनको हम मातानु वन बोलते हैं। तो यानी कि उनको जो पुराने तरीके हैं उनसे वनों का संरक्षण करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मशहूर थिएटर एक्टर राम गोपाल बजाज को मध्य प्रदेश की सरकार ने कालिदास सम्मान देकर सम्मानित किया है, और ये अवार्ड इन्हें मिला है नाट्य में अपने आजीवन योगदान के लिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया है कालिदास सम्मान। और एक बात याद रखिए, ऑल इंडिया कालिदास फेस्टिवल मनाया गया उज्जैन के अंदर। मध्य प्रदेश के शूटर जो हैं उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया शॉटगन नेशनल चैंपियनशिप के अंदर, तो इसमें 2 के नाम आपको याद रखने हैं। मध्य प्रदेश ने 4 गोल्ड मेडल जीते और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता 27वें ऑल इंडिया GV मवलांकर शॉटगन शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर। और मध्य प्रदेश की जो खिलाड़ी हैं 2 याद रखिए, एक तो है गुबू शंकर ने जूनियर और सीनियर कैटेगरी दोनों में गोल्ड मेडल जीता, और एक और याद रखिए स्कीट इवेंट जूनियर और सीनियर गर्ल्स कैटेगरी में पार्वती कुमरे ने भी 2 गोल्ड मेडल जीते, 1 ईच इन जूनियर एंड सीनियर कैटेगरी। तो गुबू शंकर और पार्वती कुमरे ये हैं शूटर। मध्य प्रदेश के स्कूलों में मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश भारत का पहला स्टेट है जिसने हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बनाया है, तो हैप्पीनेस डिपार्टमेंट में 100 थीम रखे गए हैं इस प्रोग्राम के तहत, और स्कूलों में कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और जो भी कोर्स प्रिपेयर करेगा उसको 20,000 रुपये का अवार्ड भी मिलेगा। तो हैप्पीनेस क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं मध्य प्रदेश के स्कूल्स के अंदर, जिससे बच्चों पर मानसिक दबाव कम हो। मध्य प्रदेश की सरकार जो है उन्होंने एक स्कीम स्टार्ट करी है, या एक तरह का कैंपेन स्टार्ट करा है, ये महिलाओं के लिए किया है। मध्य प्रदेश की सरकार ये चाहती है कि जो महिलाएं हैं वो गाड़ी चलाना सीखें और ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास हो। इसके लिए जो कैंपेन है उसका नाम है आओ भैया तुम्हें सैर कराऊं। ये भाई दूज के मौके पे किया था, यानी कहने का मतलब एक तरह से बहन जो है वो गाड़ी वाड़ी चलाना सीखेगी तो भाई को भी वो घुमा सकती है, इस तरह का ये प्रोग्राम है। और जो लड़कियों के ड्राइविंग लाइसेंस होंगे उनका कलर होगा पिंक होगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे इन्हें, और एक टेम्परेरी ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलेगा जिसकी वैलिडिटी होगी 6 मंथ्स। इसमें ड्राइविंग ट्रेनिंग दी जाएगी, जो मध्य प्रदेश में 94 इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पे दी जाएगी। और एक कैंपेन और स्टार्ट करा है जिसका नाम है ऑपरेशन ड्राइविंग शौर्य। मैं रिपीट करता हूँ, ऑपरेशन ड्राइविंग शौर्य 1 नवंबर को ये स्टार्ट हो गया है और 8 मार्च तक चलेगा। 8 मार्च क्यों इंपॉर्टेंट है? 8 मार्च इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनी है नेहा। नेहा कौन है? नेहा 5 साल की बच्ची है, ये सुन नहीं सकती और बोल नहीं सकती, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने इसका कान का जो ऑपरेशन है वो करवाया है, 6.5 लाख रुपए का खर्चा उठाया है पूरा, और अब देखना होगा कितना इंप्रूवमेंट होता है, लेकिन इसको मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है नेहा को। बाल श्रवण, श्रवण मतलब जो सुनने की शक्ति होती है, वो योजना है इसमें जो सरकार है वो खर्चा उठा रही है। मध्य प्रदेश जो है ये इसने जो सिख है वहाँ के जो सरदार जी रहते हैं मध्य प्रदेश में उनको ये कहा है अब आप हिंदू मैरिज एक्ट नहीं बल्कि आनंद मैरिज एक्ट के तहत अपनी शादी रजिस्टर करा सकते हो। सिख धर्म में आनंद मैरिज अमेंडमेंट बिल ये पास हुआ था 2012 में भारत में, और अब कई राज्यों ने इसको लागू ऑलरेडी कर दिया है। उस वक्त जो राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, उन्होंने इसको अप्रूवल दे दिया था। एक बात याद रखिए, भारत के बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने ऑलरेडी सिख आनंद मैरिज एक्ट को लागू कर दिया है,
जैसे केरल, मध्य प्रदेश, मिजोरम, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय और हरियाणा। अभी अभी झारखंड भारत का सातवां राज्य बना था जिसने आनंद मैरिज एक्ट को लागू किया था। मध्य प्रदेश जो है उसे भारत का बेस्ट टूरिज्म स्टेट का अवार्ड दिया है, राष्ट्रपति ने दिया, ये रामनाथ कोविंद जी ने, तीसरी बार लगातार मिला है। मध्य प्रदेश ने टोटल 10 अवार्ड जीते हैं टूरिज्म में। और एक बात और याद रखिए, वर्ल्ड टूरिज्म डे पे ये प्रोग्राम 27 सितंबर को होता है वर्ल्ड टूरिज्म डे, इस उपलक्ष्य में ये विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम अरेंज किया गया था और मध्य प्रदेश को हॉल ऑफ फेम अवार्ड मिला है जो बेस्ट टूरिस्ट स्टेट के लिए होता है। और ये अवार्ड किसने लिया, मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री सुरेंद्र पटवा को ये अवार्ड मिला है। तो मध्य प्रदेश को मिला है बेस्ट टूरिज्म स्टेट का अवार्ड तीसरी बार लगातार। इसके अलावा कुछ और अवार्ड बताता हूँ, दो तीन जो इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में एक गाइड है, इनको बेस्ट वाइल्ड लाइफ गाइड का अवार्ड मिला है। ये पंचमढ़ी में है, इनका नाम है साहिब खान। और मध्य प्रदेश की सरकार ने एक इंग्लिश कॉफी टेबल बुक ये लॉन्च की थी, इसे बेस्ट बुक का अवार्ड मिला है इंग्लिश भाषा में, इसे मिला है एक्सेलेंस इन पब्लिशिंग। और हिंदी की किताब थी मध्य प्रदेश की सरकार की जिसका नाम था सिंहस्थ 2016, इसे मिला है बेस्ट बुक का अवार्ड, बेस्ट जो जिसे बोलते हैं नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस हिंदी के अंदर। मध्य प्रदेश सरकार ने जो रूरल यूथ है मध्य प्रदेश के, उनकी सहायता के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का निर्णय लिया है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट ये होता है जो खाद्यान्न होते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है, उसे प्रोसेस्ड गुड में, प्रोसेस्ड फूड में कन्वर्ट करेंगे जिससे ज़्यादा आमदनी मिल सके। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने अनाउंस ये करा है, अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और आपने सेकेंडरी स्कूल बोर्ड एग्जाम पास किए हुए हैं तो फिर आप 25 लाख रुपए की लागत से फूड प्रोसेसिंग यूनिट, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हो 25 लाख रुपए की लागत से। इसमें 40% जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो सब्सिडाइज हो जाएगा और बाकी जो है वो बैंक फाइनेंस कर देंगे, लोन के तौर पे आपको मिल जाएगा। इस नई स्कीम का पर्पस ये है कि जो रूरल यूथ हैं, जो गांव के यूथ हैं, यंग लोग हैं, वो स्मॉल स्केल यानी छोटे दर्जे की फैक्ट्री लगाएं जिससे वो अपनी इनकम बढ़ा सके और लोकल लेवल पे रोजगार दे सके। सरकार ने टारगेट ये रखा है कि 500 ऐसे फूड प्रोसेसिंग सेंटर लगाए जाएंगे। हमारी भारत की फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल, जो भटिंडा से लोकसभा सांसद हैं। एक बात याद रखिए, यहाँ पे कौन कौन से फूड हैं जिनको प्रोसेस किया जाएगा, चावल, पल्सेस यानी दाल, मिलेट, और डिहाइड्रेशन यूनिट बनेगी प्याज के लिए और गार्लिक के लिए। प्याज और डिहाइड्रेशन यूनिट मतलब ये है जहाँ प्याज और गार्लिक को सुखाया जाएगा, गार्लिक होता है लहसुन। इसके अलावा यहाँ पे ऑनियन और गार्लिक पेस्ट भी बन सकता है, सोया मिल्क, टोमेटो प्यूरी इत्यादि ये सब भी बन सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने अपना एक टारगेट रखा है, टारगेट इनका क्या है कि 2022 तक मध्य प्रदेश को गरीबी मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा। कब तक कर दूंगा, 2022 तक, ये अनाउंस करा है शिवराज सिंह चौहान ने। इसके अलावा ये भी अनाउंस करा है कि 2018 जब खत्म होगा, दिसंबर 2018 अगला साल जब खत्म हो जाएगा, तब तक 5 लाख घर अर्बन पुअर के लिए यानी जो शहरों में रहने वाले गरीब लोग हैं उनके लिए और 15 लाख घर गाँव में रहने वाले गरीब लोगों के लिए बनवा दूंगा, ये भी अनाउंस करा है। एक अनाउंसमेंट और करी है, नर्मदा नदी को ग्रीन बनाने के लिए, नर्मदा नदी के आसपास पेड़ लगाने के लिए, नर्मदा नदी को शुद्ध करने के लिए 8500 करोड़ रुपए का खर्चा होगा अगले 3 साल में। तो ये याद रखिए सारे टारगेट्स। एक बात और याद रखिए, केंद्र सरकार का टारगेट क्या है, केंद्र सरकार का टारगेट ये है कि 2022 तक, ठीक है, हमें प्रधानमंत्री आवास योजना जिसको बोलते हैं हाउसिंग फॉर ऑल, इसके तहत 6 करोड़ घर बनाने हैं, 4 करोड़ गाँव वाले एरिया में, रूरल एरिया में, और 2 करोड़ अर्बन एरिया में। मध्य प्रदेश में एक बहुत ही जवान, बहादुर, बहुत ही करेजियस पुलिस वाला है और उसने क्या किया, इसका नाम है अभिषेक पटेल। इसने एक 10 किलो का बम रखा और ये बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान पे खेल गया। इसने अपनी गोदी में रखा बम और ये दौड़ने लगा और दौड़ता गया, ये बहुत दूर चला गया जहाँ ये घटना है, चितौरा विलेज, सागर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की। तो इसे बहादुरी के लिए 50,000 रुपये का पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा। मध्य प्रदेश जो है वहाँ पे सोयाबीन की खेती काफ़ी कम हो रही है और इसलिए कम हो रही है क्योंकि किसानों को दाम नहीं मिल रहा, और दाम इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि सोयाबीन की खेती दुनिया में बहुत सारे देशों में भारत से बहुत ज़्यादा है, चाइना में भारत से ज़्यादा है, बहुत सारे देश हैं, और लगभग 20% भारत का जो सोयाबीन है वो मध्य प्रदेश में उगता है, मालवा रीजन में। और एक बात याद रखिए, मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन की खेती है वो 12 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी पिछले 4 सालों में कम हो गई है
यानी जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है कैश क्रॉप के लिए, वो 12 लाख हेक्टेयर कम हो गया है और ज़्यादातर किसान अब सोया नहीं उगा रहे हैं, वो अब उगा रहे हैं चावल इत्यादि पल्सेस दालें उगा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं वो। अब शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? शिफ्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विदेशों से हम खरीद रहे हैं सोयाबीन का तेल और बहुत ही सस्ता खरीद रहे हैं। भारत पूरी दुनिया में पाँचवें नंबर पर आता है, ब्राज़ील नंबर वन है दुनिया में, सबसे ज़्यादा सोयाबीन उगता है, फिर अमेरिका, फिर अर्जेंटीना, फिर चाइना और भारत है पाँचवें नंबर पे। तो जो सोयाबीन का जो फसल है बहुत ज़्यादा उग रही है दुनिया में, इसलिए उसके जो दाम है सोयाबीन तेल के बहुत कम हो गए हैं, तो भारत जो है वो सोयाबीन का तेल खरीद ही लेता है और इसीलिए लोकल जो किसान है वो कम्पीट नहीं कर पाते विदेशी कंपनियों के साथ, इसलिए उनको मुआवजा नहीं मिल पाता। एक कारण और है सोयाबीन कम उगाने का, सोयाबीन में लगने वाले रोग हैं जो जैसे येलो मोज़ेक डिजीज़ होता है या अकाल है या चीप इंपोर्ट हो गए, तो ये तीन कारण है मुख्य जिस वजह से किसान सोयाबीन नहीं उगाना चाहते मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश ने 27 से 29 अक्टूबर को भोपाल के अंदर मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट का, ट्रैवल मार्ट क्या है, पर्यटन बढ़ाने के लिए एक तरह का ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे टूरिज्म सेक्टर से लोग आपस में मिलते हैं, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं जिससे वो पर्यटन में पूंजी निवेश करें। तो इसका थीम इस बार क्या था, सीक डिस्कवर एक्सप्लोर SDE, ये था थीम। ये चौथा अध्याय था मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट का, इसको आयोजित किया गया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश में 90 लाख पशु हैं इनको आधार कार्ड देगी, ऐसा करने वाली ये मध्य प्रदेश की पहली सरकार है। आदमियों के लिए तो ठीक है आधार, पशुओं को भी देगी, और 90 लाख जो मवेशी हैं, जो पशु हैं, इनमें से 84 लाख होंगी गाय, तो गौ रक्षा के लिए करेगी। इसमें बेसिकली क्या करेगी वो, जैसे कोई काऊ है, गाय के कान में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप डाल देगी, ये आधार चिप नाम दिया गया है, येलो कलर का होगा ये येलो आधार चिप। इसमें गाय की सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, जैसे गाय कब जन्मी, गाय का एड्रेस क्या है, गाय कितना दूध देती है, गाय की सेहत कैसी है, ये सब लिखा रहेगा। और अगर वो गाय मान लीजिए मध्य प्रदेश से चल फिर के उत्तर प्रदेश भी पहुंच जाती है, तो ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश की सरकार उसे एक नया आधार चिप डालेगी कान में, वो वही वाला रहेगा। इस वजह से एक फ़ायदा और होगा, गाय कहीं भी चली जाए किसी भी राज्य में सैर करती करती, वो उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा। और एक बात याद रखिए, हरियाणा की सरकार पहली सरकार है जो गाय की रक्षा के लिए PG हॉस्टल बना रही है, PG गेस्ट हाउस। यहाँ पे अगर आप मान लो आपके पास गाय है, रखने के लिए जगह नहीं है, यहाँ पे ले जाओ, बहुत ही कम दाम में गाय को रख सकते हो। इस पे मध्य प्रदेश की सरकार 2 साल के अंदर अंदर सारी गाय को आधार कार्ड दे देगी, सारे पशुओं को दे देगी, 90 लाख पशुओं को देगी, टोटल खर्चा करेगी 13 करोड़ रुपए। विजया बैंक एक बैंक है, विजया बैंक, इसने अपना एक एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग सेंटर खोला है इंदौर में, जहां पे ये अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करेगा, उनका कौशल विकास करेगा। कहां पे खोला है ये, इनके तीन सेंटर हैं, कर्नाटक में है एक, मंडिया में एक, हवेरी में, और मध्य प्रदेश में है इंदौर में, और 50,000 कैंडिडेट्स को यहां पे ट्रेनिंग मिलेगी। इंदौर में कहां है, एक गांव है जिसका नाम है बैंसले। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा लोन दिया है, ये लोन है आप कह सकते हैं लगभग 3500 करोड़ रुपए का लोन है, और ये किस लिए मिला है, मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए मिला है, खासकर मध्य प्रदेश में जो पानी की समस्या है गांव में, उससे निपटने के लिए मध्य प्रदेश का रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, उसके लिए $470 मिलियन का लोन दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मध्य प्रदेश की सरकार को। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर मनीला में है, मनीला फिलीपींस की राजधानी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक में सबसे ज़्यादा जो पैसा रखा है, सबसे ज़्यादा हिस्सा है, वो है जापान का, फिर है अमेरिका का, फिर है चाइना का, भारत का चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा हिस्सा है एशियन डेवलपमेंट बैंक में, और इस बैंक के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर ताकेहिको नकाओ। इसराइल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसराइल मध्य प्रदेश की मदद कर रहा है, किस चीज़ में मदद कर रहा है, फल और फूल उगाने में, हम इसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, फल फूल सब्जियाँ, हॉर्टिकल्चर। कैसे मदद कर रहा है, इसराइल जो है वो कृषि में बहुत अव्वल माना जाता है। इसराइल 2 एग्रीकल्चर एक्सेलेंस सेंटर बना रहा है मध्य प्रदेश में, एक बना रहा है श्यामपुर सेहोर डिस्ट्रिक्ट में और दूसरा धेरीपाल शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में। और ये सेंटर पे क्या क्या होगा, जो शाजापुर वाला है वहाँ पे संतरे उगाए जाएंगे, संतरे उगाने की अच्छी अच्छी टेक्निक सिखाएगा इसराइल। और जो श्यामपुर वाला है वहाँ पे सेहोर में, वहाँ पे फूलों को कैसे उगाए जाएं ये सिखाएगा इसराइल, यानी इसराइल मदद करेगा कृषि विकास में फ्लावर और ऑरेंज। भारत और आसियान का यूथ समिट हुआ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। देखिए आसियान जो है ना, इसमें साउथ ईस्ट एशिया कंट्री के
साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। कितने हैं? 10 कंट्री हैं। और ये सारे 10 के 10 जो हैं, ये हमें 26 जनवरी 2018 को जो परेड होगी गणतंत्र दिवस पे, हमने उन्हें इनवाइट किया है 10 के 10 देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को। अब एक बात और याद रखिए, भारत आसियान का मेंबर नहीं है, भारत है डायलॉग पार्टनर। और भारत के आपको आसियान के साथ हो गए हैं 25 साल पूरे, हमारे जो संबंध है आसियान के साथ 25 साल पुराने हैं। इसी साल 2017 में भारत ने 25 साल पूरे करे इसराइल के संबंधों के साथ, और कजाकिस्तान के संबंधों के साथ भी हमारे इसी साल 2017 में हुए हैं 25 साल, याद रखिए। और भारत और आसियान के बीच जो यूथ समिट हुआ वो हुआ, ये 25वां एनिवर्सरी मनाने के लिए हुआ, और 14 अगस्त से ये स्टार्ट हो गया था। इस बार इसका थीम क्या था? थीम था शेयर्ड वैल्यूज कॉमन डेस्टिनी, यानी हमारे जो आपस में वैल्यू हैं वो शेयर्ड हैं, एक जैसे हैं, और हमारा गंतव्य एक है, कॉमन डेस्टिनी है। मध्य प्रदेश को चूज क्यों किया गया ये बताइए। देखिए, इसलिए चूज किया गया, मध्य प्रदेश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सांची का स्तूप, सांची का स्तूप जो सम्राट अशोक ने बनवाया था कलिंग युद्ध के पश्चात, और ये मौर्य वंश के थे सम्राट अशोक, और ये बुद्ध धर्म का प्रतीक है। जब कलिंग युद्ध हुआ था उड़ीसा में, वहां पे जो अशोक राजा थे उन्होंने इतना खून खराबा देखा, उनका विश्वास उठ गया और उन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया। और जो ये आसियान कंट्रीज हैं सारे, इनमें बुद्ध धर्म बहुत ज्यादा है, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम, इन सब में बुद्ध धर्म बहुत ज्यादा है, इसलिए मध्य प्रदेश का एक हमारा एक कल्चर मिलता जुलता है, इसलिए मध्य प्रदेश को चुना गया। मध्य प्रदेश की सरकार ने, देखिए एक मेला लगता है मध्य प्रदेश में, ये कहां लगता है? ये लगता है पंधुरना टाउन में, जिसको बोलते हैं गोटमार। इसमें होता क्या है बेसिकली, देखिए इसमें एक बहुत पुरानी कहानी है, वैसे आपको बता देता हूँ। गोटमार नाम का जो त्यौहार है पंधुरमा टाउन में होता है, इसमें लोग एक दूसरे के ऊपर पत्थर मारते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, पत्थर मारते हैं तो इसमें पिछले साल 15 लोग मर गए थे, और इस साल मध्य प्रदेश ने इसीलिए ये कहा कि जो स्टोन पेल्टिंग है, जो पत्थर का जो एक दूसरे पे फेंकना है, वो नहीं होना चाहिए। सेक्शन 144 लगा दिया सीआरपीसी का, इसका मतलब ये होता है कि आप हथियार नहीं रख सकते, बहुत बड़ी मात्रा में गैदर नहीं हो सकते, लेकिन ये फिर भी चलता है फेस्टिवल, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वहाँ का। इसके पीछे कहानी भी है बहुत बड़ी, देखिए कहानी ये है, एक नदी है जिसका नाम है जाम नदी, ठीक है, जाम नदी के इस तरफ गांव है जिसको बोलते हैं सवर गांव, और इस तरफ गांव है जिसे बोलते हैं पंधुरना गांव। अब एक बार क्या हुआ था यहाँ पे कि कोई लड़की है, उसका अपहरण कर लिया गया था, और लड़का जो उसे किडनैप करके ले जा रहा था, तो उसने किडनैपर के ऊपर कोई पत्थर मारे थे 300 साल पहले, आज से ये कहानी है। तो अगर ऐसा बोलते हैं कि अगर इस पे पत्थर मारो तो फिर वो एक अच्छा माना जाता है, और ये बीच में एक झंडा लगा दिया जाता है नदी में, और इधर से भी लोग उस झंडे को लेने जाते हैं नदी में, इधर से भी जाते हैं, और एक दूसरे को लेने नहीं देना होता वो झंडा, तो इधर वाले इधर को रोकते हैं पत्थर मार के, इधर वाले इधर को रोकते हैं पत्थर मार के कि पत्थर मारूंगा तो तुम नहीं ले पाओगे, झंडा जो ले लेता है वो जीत, गाँव जीत जाता है। तो ये परंपरा है गोटमार त्यौहार की, और इस बार इस पर काफ़ी सख्त रुख अपनाया प्रशासन ने। अमित शाह बीजेपी के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय जी का एक मूर्ति, उसका उद्घाटन करा भोपाल के अंदर। दीनदयाल उपाध्याय जी कौन थे? जनसंघ के ये फाउंडर थे, और बीजेपी के काफ़ी पार्टी आइडियोलॉग हैं आरएसएस के, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर मौजूद थे, और भोपाल के जो मेयर हैं जिनका नाम है आलोक शर्मा, ये भी मौजूद थे। ये स्टैचू बना कहाँ है? मध्य प्रदेश का जो प्रसिद्ध लाल घाटी स्क्वायर है वहाँ पर ये बना है। 5 म्यूजियम है भारत के, जो एशिया के 25 सबसे अच्छे म्यूजियम के अंदर आते हैं, और इनमें एक मध्य प्रदेश के अंदर भी है, इसको बोलते हैं योद्धा स्थल, ये भोपाल में है और इसकी रैंक है 20वीं। भारत के 5 म्यूजियम एशिया के 25 सबसे अच्छे म्यूजियम में है, उनमें एक है मध्य प्रदेश का योद्धा स्थल भोपाल में, इसकी रैंक है 20। मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दोबारा बन गए हैं मंडोला, इनका पूरा नाम है रमेश मंडोला, विधायक हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी बने हैं दोबारा दिग्विजय सिंह, और जो ट्रेजरर हैं वो हैं जीतू जिराती। मशहूर कवि और साहित्य अकेडमी अवार्ड जीत चुके चंद्रकांत देवतले, इनका निधन हो गया। इनका जन्म हुआ था जोलखेड़ा गांव, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में, 7 नवंबर 1936 को साहित्य अकेडमी अवार्ड इन्हें मिला था थ्रोइंग स्टोन्स नाम की इनकी पोएट्री पोएम्स की कविताओं की कलेक्शन के लिए, कविताओं की कलेक्शन थी जिसका नाम था थ्रोइंग स्टोन्स। इसके अलावा इन्हें माखनलाल चतुर्वेदी अवार्ड, शिखर सम्मान इत्यादि भी मध्य प्रदेश की सरकार से मिले हुए थे। मध्य प्रदेश की सरकार ने स्कीम स्टार्ट करी है, एक ऐप बनाई है जिसका नाम है फसल गिरदावरी ऐप, फसल गिरदावरी मोबाइल ऐप बनाया है मध्य प्रदेश के कृषि क्या बोलते हैं विभाग ने, उन्होंने बनाई है। ये ऐप है क्या और गिरदावरी क्या होता है? देखिए मध्य प्रदेश में क्या होता है, कहीं भी क्या होता है, पटवारी जो होता है, पटवारी का काम क्या होता है
कि वो जमीन का नापन करे, किसानों की जो जमीन है कितनी है उस सब का रिकॉर्ड रखे, और ये ऐप के ऊपर वो सारा रिकॉर्ड रखेगा। पहले तो वो अपने बस्ते पे कागज के ऊपर लिखता था वो सब, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम पटवारियों को बस्ता मुक्त कर देंगे, यानी अब डिजिटल बना देंगे। तो इसको बोलते हैं खसरा। खसरा एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो पटवारी और तहसीलदार वगैरह क्या करते हैं, उन्हें अपने पास रखते हैं, जिसमें किसान कौन सी फसल उगा रहा है, मिट्टी किस तरह की है, किसान के पास कितनी जमीन है, सारा उसका नाप के रखता है। और मध्य प्रदेश में पटवारी तहसीलदार वगैरह की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, इसीलिए मध्य प्रदेश की सरकार 10,000 पटवारी, 550 तहसीलदार और 940 नायब तहसीलदार को रिक्रूट करेगी आने वाले कुछ महीनों के अंदर। ये अनाउंस करा शिवराज सिंह चौहान ने। तो बस इसमें आपको ये याद रखना है, गिरदावरी जो होता है, और गिरदावरी जो ये होता है ये साल में दो बार होता है, एक खरीफ सीजन खत्म होता है तब और एक जब रबी सीजन खत्म होता है तब। और मोबाइल ऐप जो है इस पे क्या होगा, फिर मोबाइल ऐप पे ये होगा, कोई भी पटवारी जो है वो किसान का सारी चीज नाप वाप के इस पे डाल देगा ऐप पे, फिर आपको SMS भेजेगा, आप चेक कर लो सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है, तो उसमें एक पासकोड होगा, वो पासकोड आप पटवारी को बता दो तो आपका फिर अप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा एक योजना स्टार्ट करी है मुख्यमंत्री कौशल्या योजना, इसका जो स्लोगन है वो है प्रतिभा प्रेरणा प्रगति, यानी 3 P हैं, प्रतिभा प्रेरणा प्रगति, कौशल्या, मुख्यमंत्री कौशल्या योजना, यह भी स्टार्ट करी है 1 महीने पहले ही। इसमें नक्सलवाद परिवार की जो महिलाएं हैं वो भी ट्रेनिंग ले सकती हैं, बेसिकली कौशल विकास किया जाएगा, कौशल विकास किया जाएगा और उन महिलाओं को टारगेट किया जाएगा जिन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी, क्यों छोड़ दी, सामाजिक कारणों से, पारिवारिक कारणों से, उनको कौशल दक्ष बनाया जाएगा और उनको जॉब भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये योजना है रोजगार एवं स्वरोजगार प्राप्त करने के महिलाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करना, महिलाओं को गैर परंपरागत क्षेत्रों में यानी नॉन ट्रेडिशनल स्किल डेवलपमेंट भी करवाया जाएगा, रोजगार के अवसर दिए जाएंगे और सब कुछ निःशुल्क होगा, हेल्थ केयर, रियलिटी इत्यादि ये सब हैं। दीपक जोशी हैं राज्य के कौशल विकास मंत्री। सरकार का जो लक्ष्य है इस स्कीम में वो है 2 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण देना, उनको कौशल दक्ष बनाना और 15 दिवस से लेके 9 महीने तक का प्रशिक्षण होगा, यानी जो मिनिमम कोर्स है वो 15 दिन का है और ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने का है, 100 घंटे से लेके 1200 घंटे तक का कोर्स है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उम्र, मिनिमम एज होनी चाहिए 15 और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 35। 15 साल से अधिक उम्र की महिलाएं, 35 से कम, और जो पोर्टल है, वेबसाइट जहां पे आपको पंजीकरण करवाना है, रजिस्ट्रेशन, वो है mpskills.gov.in। ये सारे कोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं कोई 2 महीने का कोर्स है, कोई 6 महीने का। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, और इसका जो स्लोगन है वो है उन्नत हुनर सशक्त कल, उन्नत हुनर सशक्त कल। ये योजना भी बिल्कुल उसी तरह की है, इसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी यूथ को, इसमें टारगेट है 2500 यूथ एवरी ईयर, ये टारगेट है इसमें मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना में। और इसमें भी बहुत सारे सेक्टर हैं जैसे रिटेल, एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी इत्यादि, और जिनमें निशुल्क कौशल विकास किया जाएगा। ये जो योजना है ये मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत चलाई जा रही है और इसके लिए जो फंड है वो रखा गया है 254 करोड़ रुपए। इसमें प्रवेश प्रक्रिया वही है, आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी, जाति प्रमाण पत्र या शैक्षणिक प्रमाण पत्र की आपको रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करा सकते हैं। ये सारे इसमें कोर्सेज अवेलेबल हैं, इसमें कोई 3 महीने का है, कोई 6 महीने का कोर्स है, और टारगेट है 2.5 लाख युवाओं को रोजगार देना। इसमें भी 15 दिवस से लेके 9 महीने तक के कोर्सेज हैं, 100 घंटे से लेके 1200 घंटे तक के कोर्सेज हैं, और एज ग्रुप भी वही है 15 से 35। इसमें भी वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है और अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पे आपको आपकी जो सिलेक्शन है सरकार करेगी। इसके अलावा ये कुछ और चीज़ें याद रखनी है आपको, भोपाल में अगले 2 साल में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, इंटरनेशनल लेवल का एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर, और इसमें सिंगापुर हमारी मदद करेगा। सिंगापुर के सहयोग से भोपाल में 10,000 युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा, ग्लोबल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनेगा। इसके अलावा 10 ITI हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिन्हें रीजनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस का दर्जा दिया जाएगा, और मध्य प्रदेश में 5 पॉलीटेक्निक और 1 इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनेगा उत्कृष्ट। भोपाल में बनेगा एक स्किल पार्क और उद्यमिता विकास केंद्र, और ये जो भोपाल में पार्क बन रहा है ये भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क है, सिंगापुर इसमें हमारी मदद कर रहा है, 37 एकड़ जमीन पे बनेगा, 1000 स्टूडेंट्स को हर साल प्रशिक्षण दिया जाएगा, और बस इसमें इतना ही याद रखिए। इसके अलावा सिंगल क्लिक पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, 60 साल से उम्र के वो व्यक्ति जो पेंशन के लिए एलिजिबल हैं उन्हें महीने के 1 तारीख को पेंशन दी जानी चाहिए, ये कहा है शिवराज सिंह चौहान ने। इसके लिए स्कीम स्टार्ट की गई है, इसमें एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिसमें
जो भी एल्डरली पेंशनर हैं उन्हें एक सिंगल क्लिक में उनके अकाउंट में पेंशन आ जाएगी। इसके बेनिफिशियरी होंगे लगभग 35 लाख वो लोग जिनको पेंशन मिलती है राज्य में, और इसमें 10 तरह की पेंशन स्कीम है जो सरकार जिनके तहत डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देगी। ये वर्ल्ड एल्डरली डे जो 1 अक्टूबर को मनाया गया उस दिन ये लॉन्च की गई थी। अगली है मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। जो मेधावी छात्र हैं उन्हें लैपटॉप मिलेगा। किसको मिलेगा? जो 12वीं क्लास में अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हें मिलेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 85% नंबर आपको चाहिए, और अगर आप एमपी एजुकेशन बोर्ड के छात्र हैं 85% चाहिए, एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो 75% चाहिए, और 25,000 रुपये आपको मिलेंगे लैपटॉप खरीदने के लिए। इसमें कंडीशन ये है आपकी फैमिली इनकम 6 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सालाना। अगली है कृषक उद्यमी योजना लोन स्कीम। ये बेसिकली जो फार्मर के बच्चे हैं जो अपना नया बिजनेस लगाना चाहते हैं उनके लिए है। इसमें आपको लोन मिलेगा 10 लाख रुपए तक से 2 करोड़ रुपए तक का। 15% पूंजी अनुदान होगा, यानी 15% ग्रांट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 लाख का लोन लेते हैं तो 15% ग्रांट होगा, यानी उसमें फिर 15% यानी 1.5 लाख आपको कम देना है, सिर्फ 8.5 लाख ही वापस करना है। और इसमें स्कीम में आपको 5% ग्रांट मिलेगा इंटरेस्ट के ऊपर भी 5 साल तक। ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी जितना भी आपको ब्याज देना पड़ेगा लोन के ऊपर उसमें 5% पूंजी अनुदान मिलेगा 5 साल तक। इसमें कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर लगाए जाएंगे, यानी फार्मर को कहा जाएगा फूड प्रोसेसिंग सेंटर लगाओ जिससे अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो, और ये फूड प्रोसेसिंग सेंटर लगाने के लिए किसानों को लोन मिलेगा। कितना लोन मिलेगा? 25 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, और उसमें 40% ग्रांट मिलेगा, यानी 40% पूंजी अनुदान मिलेगा। और राज्य की सरकार ने ये कहा है हम 1000 ऐसे सेंटर लगाएंगे। इसके अलावा भवंतर भुगतान योजना चलाई है। भारत में 25 फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य मिलता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिससे अगर मौसम की कोई वैगरीज ऑफ द वेदर हो, यानी वेदर ख़राब हो जाए या कोई और कारण से फसल अगर कम हो या फसल बहुत ज़्यादा हो जाए तो कम से कम किसानों को एक मिनिमम एश्योर्ड प्राइस मिलना चाहिए, लेकिन ये मिल नहीं पाता है। इसके लिए सरकार ने अब चलाई है भवंतर भुगतान योजना। जैसे फॉर एग्जांपल मिनिमम सपोर्ट प्राइस है गेहूं का 1735 रुपये पर क्विंटल, लेकिन मार्केट में आप जाएंगे तो आपको कम मिलेगा, तो जो बीच का डिफरेंस होगा वो भवंतर भुगतान योजना के तहत, यानी भाव अंतर, भावों का जो अंतर होगा वो सरकार आपको देगी। याद रखिए 8 फसलों के लिए चलाई गई है ये स्कीम। कौन कौन सी हैं ये 8 फसल? ये 8 फसल हैं सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मक्का, अरहर, मक्का को मेज़ भी बोलते हैं, मूंग, उड़द, ये हैं 8 फसलें। और इसमें बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, आप मार्केट में जाके अपनी फसल बेच दो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और जो मार्केट प्राइस के बीच में डिफरेंस होगा वो सरकार आपको पे कर देगी। तो ये योजना चलाई गई है, इसमें 2 महीने की विंडो दी गई है आपको मार्केट में जाके सेल करने के लिए। अगर उसमें आप सेल नहीं कर पाते तो फिर आप इस योजना में जो गैप है वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर आपको सस्ते दामों में कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें बस एक डिसएडवांटेज ये है कि ट्रेडर्स के हाथ में है, ट्रेडर जानबूझ के फसलों का दाम कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1400 रुपये अगर सपोर्ट प्राइस है, आप मार्केट में जाएंगे 1200 रुपये आपको मिलना चाहिए, 200 रुपये सरकार देगी, ट्रेडर ये बोल सकते हैं कि हम 1100 रुपये देंगे किसान को, क्योंकि उन्हें पता है कि जो 300 रुपये का डिफरेंस है वो सरकार भुगतान कर देगी। तो इसलिए ट्रेडर जो हैं वो इसमें पैसों की धांधली कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, अगर 2 महीने के अंदर किसान अपनी फसल नहीं बेच पाता है तो 7 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से फार्मर कोल्ड स्टोरेज यूज़ कर सकता है, वेयरहाउस यूज़ कर सकता है सरकार के। तो ये थे मध्य प्रदेश के सारे करंट अफेयर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, और ये वीडियो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अब अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है तो आपसे एक सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल ये है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सेव मातानु वनों को बचाइए ये स्कीम स्टार्ट की गई है जंगलों को बचाने के लिए। और दूसरा सम्मान ये है, मध्य प्रदेश की सरकार ने किसे कालिदास सम्मान दिया है, कमेंट्स में लिख के बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।